बड़हरा में हथियारबंद अपराधियों ने पिता और दो बेटों को गोली मार दी। जब बताया जा रहा है कि पिता पुत्र 84 गांव से ट्रैक्टर पर तिलहन की फसल लादकर घर लौट रहे थे। इस दौरान दियारा के नजदीक 10 की संख्या में हथियारबंद अपराधियों ने अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जिसके कारण लोग गोली लगने से तीनों लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए। तीनों जख्मी को इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया, जहाँ दो को गंभीर हालत देखते हुए पटना रेफर किया गया। वहीं मौके पर पहुंचे सदर SDPO ने बताया कि बालू के अवैध खनन और ट्रैक्टरों से अवैध वसूली को लेकर दो गुटों के बीच आपसी रंजिश चली आ रही है। फिलहाल पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। होली के जैसे कि बालू बोझ के आवतान सब मारो कनी के बुझे के हम कहत हनी कि तलहन हमनी के काट के आवत है जब भाई हमनी के बालू तालू वाला गाड़ी ना आना धुन गोली चलावत आना धुन गोली बुझाई के हमें कहत नहीं जा कि क्या कहला कि हमनी के तलहन वाली गाड़ी हो बालू वाली गाड़ी ना हो गोली नन चलाओ लोग आना धुन शॉर्ट के बुझाई क्या कहला कि तारा तो तो आपको बता दें कि भोजपुर की खबर है, जहां अपराधियों के हौसले काफ़ी बुलंद नज़र आ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने तीन लोगों को गोली मार दी है। माफ़ कीजिएगा, पिता और दो बेटे हैं जिन्हें गोली मारी गई है, जिसके बाद ये लोग तिलहन की फसल का लाद कर घर लौट रहे थे। इसी दौरान 10 की संख्या में हथियारबंद अपराधियों ने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। और इस खबर पर ज़्यादा जानकारी के संवाददाता राकेश फोनलाइन पर। राकेश, क्या कुछ सामने निकल कर आ रहा है, क्या अभी तक किसी की गिरफ्तारी हो पाई है इस मामले में, चूंकि 10 की संख्या बताई जा रही है अपराधियों की? जी बिल्कुल, जिस तरह से भोजपुर जिले के बड़हरा थाना क्षेत्र के जो फूहा गाँव है वो दियरा का इलाका है, और खास करके वहाँ बालू को लेकर के वर्चस्व की लड़ाई चल रही है। इसी को लेकर के कल एक फूहा गाँव के किसान अपने बेटों के साथ खेत से वापस घर लौट रहा था, उसी क्रम में अपराधियों ने उनपे अंधाधुंध गोलियां बरसाना शुरू कर दी, जिससे वो बुरी तरह जख्मी हो गए। और क्या पहले से अपराधी घात लगाए थे, क्या कुछ पुरानी दुश्मनी निकलकर सामने आ रही है राकेश? देखिए, लगातार उस दियारा का जो इलाका है, लगातार वहां पे गोलीबारी की जो घटनाएं हैं वो हो रही है 10 दिनों से, क्योंकि वर्चस्व की लड़ाई है, बालू के अवैध ढुलाई को लेकर के इस तरह का मामला सामने आया है। हालांकि जिस अपराधी ने गोली चलाई है, पुलिस का कहना है कि वो जो है ये सोच रहे थे कि अवैध बालू लोड करके ये लोग आ रहे हैं, लेकिन ये किसान अपने तिलहन के खेत से वापस सरसों काट करके आ रहे थे। राकेश, इन तीनों की स्थिति कैसी बताई जा रही है, क्या अभी हालत खतरे से बाहर है इनकी? देखिए, दो की स्थिति जो है फिलहाल नाजुक बनी हुई है, उसे पटना PMC रेफर कर दिया गया है। एक की स्थिति जो है वो अभी स्थिर, मतलब सामान्य है। लेकिन राकेश, जिस तरह की घटना सामने आ रही है, लग रहा है कि पहले से घात लगाकर बैठे थे अपराधी, क्या इससे पहले इस तरह की धमकी इन्हें दी गई है, क्या इससे पहले इस तरह की घटना हुई है इनके साथ, क्योंकि घात लगाकर अपराधियों ने इस तरह की घटना को अंजाम दिया है? देखिए, जिस तरह से परिजन वहां बता रहे थे कि इन लोगों की पहले कोई भी किसी तरह से किसी से कोई रंजिश नहीं थी, लेकिन जिस तरह से ये घटना घटी है, तो ये पुलिस जो है ये बता रही है, या आसपास के लोग बता रहे हैं कि लगातार उस इलाके में जो है गोलीबारी की घटनाएं हो रही है, लगातार घटनाएं हो रही है। 2 दिन पूर्व भी गोली चली थी, उसके पहले भी गोलीबारी की घटना वहां हुई थी। बालू को लेकर के ऐसा कयास लगाया जा रहा है कि बालू को लेकर के ये गोली मारी गई है। अभी तक किसी की गिरफ्तारी संभव हो पाई है राकेश? जी बिल्कुल नहीं, अभी इस मामले में जो है किसी तरह की कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। हालांकि 2 दिन पूर्व भी गोलीबारी हुई थी, उसमें भी अभी तक किसी गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। जी, तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया आपका राकेश। तो आपको बता दें कि हमारे संवाददाता बता रहे थे कि अभी तक इस मामले में पुलिस ने किसी को गिरफ्तार नहीं किया है। आपको बता दें कि इससे पहले लगातार इस इलाके में अपराधियों का जो है हौसले काफ़ी बुलंद हैं, और ये लगातार वर्चस्व की लड़ाई को लेकर इस तरह की घटनाएँ होती रहती हैं। और कल बीती रात घात लगाकर 10 की संख्या में अपराधियों ने पिता और दो बेटों को गोली मार दी। हालांकि इसमें दो की जो स्थिति है काफ़ी नाजुक बताई जा रही है, जिनका इलाज मैसेज में चल रहा है, और अभी तक पुलिस किसी की गिरफ्तारी करने में नाकामयाब रही है।